बहुचर्चित बोहना खैरी मामले को लेकर कृषि मंत्री और छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने संज्ञान लेते हुए जिला कलेक्टर सौरभ सुमन को जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कमल पटेल ने योजना की पुनः समीक्षा और जनहितकारी योजनाओं के भौतिक सत्यापन करने के आदेश दिए हैं। बोहना खैरी मामले को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि संबंधित मामले में दो लोगों के विरुद्ध चौरई थाने में जालसाजी धोखाधड़ी जैसे गंभीर मामले का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। जनपद सीईओ ने चौरई थाने में समस्त दस्तावेजों के साथ मामले की जांच का प्रतिवेदन भी थाना प्रभारी को सौंपा है। प्रभारी मंत्री कमल पटेल के निर्देश पर कठोर कार्रवाई करते हुए जिला कलेक्टर सौरभ सुमन ने क्षेत्रीय पंचायत समन्वयक अधिकारी मुकेश अंधवान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं ग्राम पंचायत बोहना खैरी के ग्राम पंचायत सचिव राकेश चंदेल, सहायक सचिव संजय चौरे तथा अन्य साथियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला कायम कर लिया गया है। इस मामले में जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। मैंने तत्काल एक्शन लेने के लिए कलेक्टर को निर्देशित किया था कि ग्राम पंचायत बोहना खैरी के रोजगार सहायक को तत्काल बर्खास्त करो, सचिव को निलंबित करो, समन्वयक और जो भी दोषी अधिकारी हैं उनको निलंबित करने की कार्रवाई करें, FIR कराएं और इनको नौकरी से बर्खास्त करें और इनको जेल भिजवाएं, क्योंकि ऐसे लोग कलंक हैं समाज के लिए, जो जिंदे लोगों को मार देते हैं और पैसे निकाल कर हजम कर जाते हैं। और ये एक साजिश की तरह षड्यंत्र पूर्वक सब लोगों ने मिलकर किया है, इसलिए 120 भी 420 और जितनी भी धारा लग सकती है इनके ऊपर लगाई गई है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और नौकरी से सभी को बर्खास्त करने की कार्रवाई भी करने के निर्देश मैंने दिए हैं, तत्काल की जाएगी। आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट LNCTU.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।